देखिए प्लीज इस मुद्दे पे आप बात ना करें, किसी और मुद्दे पे बात करें। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? अभी जो 22 तारीख को राम मंदिर की इनॉग्रेशन थी। हाँ पूछो। क्या हुआ? नहीं पूछो, पूछो, पूछ लो, पूछो आप, पूछो। फनी बोल रही हो? नहीं नहीं सही है, पूछो। उस दिन ये बुरा लगा कि मुझे नॉन वेजिटेरियन बर्गर ही नहीं मिला कहीं खाने के लिए। इट वाज कंप्लीटली बैन, पूरे मतलब यूपी में बैन था वो। उस दिन सरकार के निर्देश पे मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, यहाँ पे ना सिर्फ मीट की सेल बैन थी, जोमेटो ने भी मीट की डिलीवरी नहीं करी। आपके अनुसार ये बात सही है या गलत? गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। हमें डेमोक्रेसी हर चीज़ खाने पीने की। वो खाना नहीं खाना वो मेरे पे डिपेंड है। वो दुकान बंद करने वाले वो कौन होते हैं? सरकार और कानून का काम है कमजोर की रक्षा करना। मुर्गी कमजोर है आपसे? कमजोर है। उस बात से उस दिन का क्या लिंक है? गवर्नमेंट ने सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब पवित्र दिन की शुरुआत होने जा रही है, तो उस चीज को देखते हुए वन डे के लिए बैन किया। अगर आप किसी स्पेशल ओकेशन के लिए एक दिन को भी बंद कर देते हैं तो फिर जो आपका फंडामेंटल है कि हम एक धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र देश है, वो नहीं रह जाता ना। डेमोक्रेसी के नाम पे हमें अलाउ किया हुआ है, पर एज अ हिंदू मेरे अकॉर्डिंग बैन रखना चाहिए। हम सेंटीमेंट थोड़ा ना हर्ट कर रहे हैं, किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं इससे हिंदू रिलीजन के। हम जैसे हिंदूज हैं वो तो इसी बात को मानते हैं ना कि हमें नहीं खाना चाहिए, राइट? ये देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है, धर्म से नहीं चल रहा ना। कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको अपने रिलीजन से रिलेटेड रखने चाहिए। एक तरीके से हम लोगों ने 22 तारीख को दिवाली टाइप बनाया है पूरा। एक दिन थोड़ी होता है राम भगवान का, अगर आपको मानना है तो रोज मानो ना, या तो बिल्कुल मत मानो। आज का दिन राम भगवान का है तो मीट नहीं खाते, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता मेरे लिए। वैसे तो ये एक्चुअली होना चाहिए, ये बैन होना चाहिए, ये सिर्फ इवेंट पे नहीं होना चाहिए, रेगुलर ही करो। ओपन स्लॉटर्स क्यों बना रखे हैं? मैं ये नहीं बोलता कि 22 तारीख को मत खाओ, मैं तो बोलता रोज मत खाओ। मीट खाने में क्या समस्या है? हम खाली पूजा वाले दिन नहीं खाते। आप पूजा वाले दिन नहीं खाते, आप किसी भी दिन नहीं खाते, तो जो बाकी दिन जब आप पूजा नहीं करते, हर दिन भगवान का, यार आज राम जी का दिन नहीं है, ऐसे लोग मतलब दोगले हुए। क्या बोल रहे हैं? जो मतलब हाँ, मुझे ऐसा नहीं बोलूंगा कि दोगले हुए, पर उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है उनके पास। नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्यों खाना किसी को मार के? तो 365 दिन ही नहीं खाना चाहिए उनका, तो देखिए क्लियर है 365 दिन नहीं खाना चाहिए। जो गलत चीज़ है 365 दिन गलत है। आपकी क्या सोच है? मेरी ये सोच है कि नहीं तो खाना चाहिए, बट अगर जिसका मन है वो खाना चाहते तो वो खा। आप खाते हैं? हाँ मैं खाती हूँ। वही बात आ गई ना भाई, जो नहीं खाता वो कहता 365 दिन बैन करो, और जो खाता है वो कहता भाई कम से कम पूजा वाले दिन तो मत खाओ। ये तो कंटिन्यू बंद ही हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति बात करे तो बेहतर रहेगा आपका। ये तो बंद ही होना चाहिए भैया जी, क्योंकि एक जीव हत्या तो नॉर्मली हम लोगों के लिए नहीं है ना भैया जी। साल के 365 दिन ही बैन हो? नहीं नहीं। हाँ जी, आप मना कर रहे हैं वो चीज, वैसे वो तो लोगों के अपने मानने के ऊपर है, हर आदमी की खाने की सबकी अलग अलग चॉइस होती है। मैंने एक बात नोटिस करी, मैं आपको बोलता हूँ ईमानदारी से, आप बोलना चाह रहे थे कि नहीं किसी भी दिन नहीं होना चाहिए, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। क्या वो हम किसी पर अपनी चीज को नहीं थोप सकते ना? वो ये पूछ रहे हैं कि लास्ट में हम मतलब उसे करें या नहीं करें, वो ये पूछ रहे हैं। तो वो आप हाँ या ना में जवाब दो ना, बस हम नहीं चाहते भैया, नहीं चाहते, और कंटिन्यू 35 डेज नहीं चाहते। 365 दिन बिल्कुल। तो आपके अनुसार बैन एक दिन का होना चाहिए या 365 दिन का? देखिए ये तो अभी ये कोई इसका कोई जवाब हमारे हिंदू धर्म में तो 365 दिन ही ना खाए तो अच्छा है। ना आप खाते हो ना किसी को खाना चाहिए? हाँ नहीं खाना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं है। एक चीज मैंने नोटिस करी पहले भी, अभी हमें ना एक कपल मिले थे तो वहाँ भी मिसेज बिल्कुल ऐसे कह रही थी कि नहीं खाना चाहिए, और हस्बैंड कह रहे थे नहीं नहीं खाना है, जिसको खाना है वो खाना। आपके वाली बात कर रहे थे, जिसको खाना खाना चाहिए। देखिए जो जिसको रोक थोड़ी सकते, क्यों नहीं बोल सकते? अगर दूसरे को कुछ गलत करने से रोकना सही नहीं है? देखो इंडिविजुअल राइट भी कुछ चीज़ होती है ना, तो आपका एक इंडिविजुअल राइट है, अगर आपके हिसाब से वो गलत है तो है, लेकिन कईयों के हिसाब से वो नहीं है। तो जो जिसको खाया जा रहा है उसके इंडिविजुअल राइट का क्या? मेरे हिसाब से तो गलत है ही, मैंने तो कहा कि मेरे हिसाब से गलत है, मैं तो खाते ही नहीं हूँ। लेकिन जो खाते हैं, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट दे रहा है तो अब क्या करें? आपके हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन जानवरों को भी राइट दे तो अच्छा रहेगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको हम प्रधानमंत्री बना देते हैं जी, आप 365 दिन बैन करोगे या नहीं? नहीं नहीं, जो है चाहिए, जिसका कल्चर है, जिसको जो अच्छा लगता है ठीक है, आप सेंसिटाइज कर सकते हो लोगों को, आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। तो आप मुर्गी का दर्द महसूस करते हो इसलिए मारते नहीं हो, पर आप किसी और को नहीं रोकोगे मारने से? मैं रोक नहीं सकता, मैं उनको बोल सकता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लग सकता है जीव में जान होती है, उसे नहीं मारना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो फिर तो मतलब परमानेंटली बैन कर दो,
एक दिन में मैंने कहा कि कई उखाड़ लिया यार आपने, मेरे को लग रहा है उस दिन कितने मुर्गे बचा लिया आपने। कोई भी चीज़ है ना जी, आप उसको अगर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम लगता है, आप एक दिन में किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। आपके अनुसार ये एक अच्छी शुरुआत है, आप खाते हैं? ज़रूर खाता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ। तो आपको कहीं पर लगता है कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है। आज का कल्चर है, सब लोग खा रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सचमुच में सब लोग, सबकी पीढ़ियाँ जो भी हैं, अपने अस्तित्व को ना भूलें, वो सनातनी ही थे। आज मार्ग भटक गए हैं, उनको घर वापसी की जरूरत है। अगर मैं खाता हूँ तो उसके लिए मैं गिल्टी फील करता हूँ। तो अगर सरकार मान लेते हैं 365 दिन बैन कर दे, हाँ जी हाँ जी, हर प्रदेश में बैन कर दे, आप इसका समर्थन करोगे? पूरा करूंगा। अरे क्या बात, खाने से ज्यादा इंडिया जो है मीट का एक्सपोर्ट करता है। आप देखिएगा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ये जो एक्सपोर्ट करती है मीट की, है ना? हाँ। तो खाने के साथ साथ ये भी बंद करना पड़ेगा। अब इसमें कई कमियां गवर्नमेंट की हैं बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती पैसा, पैसा क्या हाल है बेटा? पर अंकल जैसे हम लोगों को, हमको खुल के ये बोलना तो चाहिए ना बेटा जी, ये गलत है। बोलेगा जो मरेगा। नहीं, हम बोलेंगे जैसे ये गलत है बेटा जी, आप अकेले बोलोगे क्या करोगे? आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से देखो भाई, किसी को दर्द पहुंचाना गलत है, जहां तक हो सके दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए। तो फिर 22 तारीख को ही सिर्फ क्यों बंद किया गया? मैं तो कहता हूं 365 दिन बंद करें। साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूं कि जरूरी नहीं कि चीजें या तो 0 हो या 100, अगर 10 पॉइंट भी आगे बढ़ती है सुई या 20 भी बढ़ती है तो भी चलो, किसी की तो जान बची। जो मुर्गा उस दिन बच गया वो तो कहेगा भाई बढ़िया हो गया, उसके लिए बढ़िया हुआ नहीं हुआ? नहीं, उस वो तो ठीक है, बट ये मैं कहता हूँ आप मीट खाते हो, हाँ जी, किसी दिन आपका बहुत अच्छा मूड है, एग्जाम में नंबर अच्छे आ गए, कुछ भी हुआ, गर्लफ्रेंड बन गई, आप उस दिन कहते हो यार चल आज किसी की जान बख्श देते हैं। ये तो कर सकते हो यार। उस दिन मतलब हाँ इतना तो कर सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा कम शुरू करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।